हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले युवक ने एसपी को शिकायत देते हुए पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए, जहां पीयूष सोनकर नामक युवक ने एसपी के नाम शिकायत देते हुए एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा को बताया कि वह एमजीएम स्कूल के पास छोटी सी ठेले में दुकान लगाता है। वहीं 4 अप्रैल को पुलिसकर्मी चंद्रभाम और अन्य पुलिसकर्मी आए और 20,000 रुपए की मांग करने लगे। वहीं जब उसने कहा कि वह छोटी सी दुकान लगाता है, वह कहां से रुपए देगा, इस पर पुलिस कर्मियों ने 12 अप्रैल तक का समय दिया। वहीं पीयूष ने बताया कि 12 तारीख को जब वह दुकान पर था, तभी 4 पुलिसकर्मी आए और कहने लगे चंद्रभान ने 20,000 रुपए मंगाए हैं। वहीं जब उसने कहा वह कहां से रुपए देगा, तब पुलिस कर्मियों ने इसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसके ठेले में लात मारकर ठेले में रखा सामान भी गिरा दिया। वहीं सारी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जहां पीड़ित ने वीडियो देते हुए एसपी से गुहार लगाई है कि दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की जाए। अब ये बताओ पूरा घटनाक्रम क्या हुआ? यहाँ देखो क्या हुआ सामने देखो सर, बताएं बताओ क्या हुआ, यहाँ पे आए क्यों आए, क्या समस्या? सर 4 तारीख को चंद्रवान साहब आए और उनके साथ नरेंद्र मोर और रोहित दुबे जी आए और शैलेंद्र सनोडिया जी, तो आके दुकान में तोड़ फोड़ किए और 20,000 रुपये की मांग किए कि 20,000 रुपये नहीं देगा तो तेरे को पटांग केस में फंसा देंगे। और अभी 12 तारीख को आए तो मारा पीटी भी किए कि चंद्रवान साहब ने पहुंचाए हैं 20,000 रुपये दे के आ हुआ। मेरा सर इतनी आवक नहीं है मेरे पास और बेमतलब पे आप लोग मेरे से 20,000 रुपये मांग रहे हो, तो बोले कि मैं तेरे को अवैध केस में फंसा दूंगा। और मेरा सर मेरा वैसा इतनी आमदनी नहीं है, मेरे को छोटी सी दुकान है मेरी, और ना देने पर फिर हाथ पैर चलाने लगी। क्यों मांग रहे पैसे? अच्छा क्यों पता कर रहे मांग रहे पैसे आप? सर वो बेमतलब का पता ही नहीं है, कोई तो आधार होगा कुछ तो है। दुकान है और कहाँ से आया? सर छोटी सी दुकान है, उसमें नमकीन बेचते हैं और पाउच बेचते हैं। कहाँ पर दुकान है? ये गोरखपुर के थोड़ी सी आगे एमजीएम स्कूल है ना, उसके थोड़ी सी आगे ही दुकान है। कोई केस है क्या आपका? कोई जी एक भी केस नहीं है मेरे। आपका नाम बताना है? मेरा नाम पीयूष सोनकर है जी और मेरे पापा नहीं है। तो ये कहने कि गोरखपुर थाने पदस्थ कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं वो उन्हें परेशान कर रहे हैं, अवैध पैसों की मांग कर रहे हैं। अभी ये आवेदक पीयूष सोनकर मेरे पास आया हुआ है और उसने एक आवेदन इस बाबत दिया है कि गोरखपुर के सब इंस्पेक्टर चंद्रभान और उसके साथ 2-3 और कर्मचारी इनके दुकान में तोड़ फोड़ किए हैं, पैसों की मांग करते हैं। शिकायत आवेदन पत्र को हमने ले लिया है और जाँच हेतु इसको CSP गोरखपुर को भेजा जा रहा है और जो भी जांच के बाद अगर ये चीज़ें सही पाई जाती हैं तो उन पे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हाँ वो भी हमको CCTV फुटेज का CD भी इसने उपलब्ध कराया है। ये सारी चीज़ें जांच के लिए CSP गोरखपुर को भेजी जा रही है और इसकी तस्दीक कर अगर कोई उनकी गलती स्थापित होती है तो निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई की जाएगी।